सड़कों पर गूंजती पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज, जगह जगह आगजनी, पुलिस पर पथराव और हाथों में तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। हांगकांग में हर दिन के साथ सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और पूरे शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प आम हो गई है। मंगलवार को एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। देखते ही देखते झड़प ने हिंसक शक्ल अख्तियार कर ली। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने पुलिस के खिलाफ धनुष तीर तान दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि छात्र पुलिस के खिलाफ धनुष तीर लेकर सड़कों पर उतर आए। इसके साथ ही छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया और जगह जगह सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। दरअसल छात्रों का यह आंदोलन उस वक्त और तेज हो गया जब पुलिस ने क्लोज रेंज से एक प्रदर्शनकारी को अपनी गोली का निशाना बनाया। इस घटना से छात्र संगठन भड़क उठे और बड़ी संख्या में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस बीच हांगकांग के नेता कैरी लैम ने प्रदर्शनकारियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को स्वार्थी ठहराते हुए उम्मीद की है कि सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी छात्रों से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल न होने की अपील करें। गौर करने वाली बात यह है कि दशकों बाद हांगकांग में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हांगकांग में जारी इन प्रदर्शनों में कमी आती है या फिर इसी तरह से हांगकांग की सड़कों पर हंगामा बरसता है।